आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां मास 2 kg दिया हुआ है और फोर्स ये दी हुई है और उसकी इनिशियल पोजीशन दी हुई है एक्स इक्वल टू ए इन एट एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वी नॉट इन जे डायरेक्शन। हमें चेक करना है कि कब उसका मोशन सर्कुलर होगा और कब एलिप्टिकल होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को हम उसके मास से डिवाइड करेंगे जो हमें उसके एक्सेलरेशन देगा, यहाँ की जिससे हमें पता चलेगा उसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 4x है और वाई में -4y है। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ एक्स को लिखेंगे वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे वी एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा -4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब हम वी एक्स को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब हम डी एक्स के नीचे ले जाएंगे इसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा 2t 2 dt। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। t इज इक्वल टू 0 पे x a था और t इज इक्वल टू 2 पे x कुछ x वैल्यू होगी। जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a cos 2t। ऐसे ही अगर हम y के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू वी नॉट बाय 2 साइन 2t। तो अब हमें पता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन जब करेगा जब इसके एम्पलीट्यूड्स इक्वल होंगे, यानी कि a इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 होगा, जिसे हम लिख सकते हैं वी नॉट बाय a 2 होगा। इसलिए अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो सर्कुलर पाथ जब फॉलो होगा जब वी नॉट बाई ए 2 सेकेंड होगा, बाकी दोनों केसेस में एलिप्टिकल पाथ होगा, यानी कि हमारे आंसर्स होंगे ए सी और डी, यानी कि बी इज द रॉन्ग आंसर एंड ए सी डी आर द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।